अब आता है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है? द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किस कंपोनेंट में? सेमीकंडक्टर में। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन का मोशन इसमें कैसे हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स होती है। नाउ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है? बुलियन ने कुछ लॉजिकल आइडियाज दिए थे। नाउ इन लॉजिकल आइडियाज को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है प्रोड्यूसिंग द कॉन्स्टेंट्स 0.1। ठीक है, सो कॉन्स्टेंट्स कैसे प्रोड्यूस होंगे? नल या फिर आइडेंटिटी। ठीक है, ये आपको पता लगेगा कि नल कब होगा और आइडेंटिटी कब होगा। ठीक है, नल मतलब कि किसी सर्किट में आप कुछ भी इनपुट दे लो, आउटपुट क्या आएगा? जीरो आएगा। सो दैट मीन्स दैट सर्किट इज प्रोड्यूसिंग जीरो, यानी कि प्रोड्यूसिंग द कॉन्स्टेंट जीरो। नाउ अगर किसी सर्किट में कोई भी इनपुट कॉम्बिनेशन अगर आप देते हो और आपको वन मिलता है, देन दैट मीन्स आइडेंटिटी। ठीक है, नाउ दूसरे तरह के ऑपरेशन आते हैं जो सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल पे ऑपरेट होते हैं, और वो क्या क्या होते हैं? या तो वो वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि उसका नॉट ऑपरेशन हो जाएगा, या फिर वो जो वेरिएबल है वो डायरेक्टली एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि बफर। ठीक है, सो यूनरी ऑपरेशन सिंगल वेरिएबल पे होंगे, कॉम्प्लीमेंट या फिर ट्रांसफर। नाउ फिर आते हैं बाइनरी ऑपरेशन, ये किस पे होंगे? दो वेरिएबल पे होंगे। नाउ दो वेरिएबल पे अगर होंगे तो क्या होगा? बाइनरी ऑपरेशंस कौन कौन से होंगे? एंड ऑपरेशन, और नैंड, नॉर, एक्सॉर, एक्सनॉर, और ये दो तरह के ऑपरेशंस हैं जो आपको देखने होंगे। और ये जो है, ये मैंने लिखा हुआ है कि ये भूल सकता है आदमी, इसलिए मैंने लिखा है फॉरगेटफुल थिंग्स। सो इस पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये पूछा नहीं जाता वैसे, पर फिर भी पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ अब ये आता है कि अगर एन इनपुट्स हैं, एन इनपुट्स का मतलब इनपुट कॉम्बिनेशन नहीं है, एन इनपुट्स का मतलब कि बाहर एक सर्किट है, उसमें बाहर तीन तार आए हुए हैं, ऐसे समझ लो। ठीक है, यानी कि थ्री पिन है, जैसे सॉकेट होता है तो उसमें दो पिन वाला भी वो आता है, दो पिन वाला भी वो आता है उसमें प्लग, और थ्री पिन वाला भी आता है। सो तीन पिन वाले में तीन इनपुट हैं, दो पिन वाले में दो इनपुट हैं। ठीक है, सो इनपुट मतलब हो गया कि जैसे ये है ए बी सी तीन। ठीक है, नौ तीन बाहर तार आए हुए हैं एक सर्किट में से। सो ये तीन क्या क्या हो सकते हैं? ए कैन बी 0 और 1, बी कैन बी 0 और 1, सी कैन बी 0 और 1। यानी कि कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे ए बी सी के? ये 2 0 या 1 ले सकता है, ये 0 या 1 ले सकता है, ये 0 या 1 ले सकता है, इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। यानी कि 2 × 2 × 2, यानी कि 2 की पावर 8 कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स आर पॉसिबल। सो इन तीन पिन की स्टेट क्या क्या हो सकती हैं? ये सब स्टेट हो सकती हैं, और इन तीन पिन की एज अ कॉम्बिनेशन ये स्टेट हो सकती हैं, 2 की पावर 8। अब ये क्या है? ये तो इनपुट पिन है, पिन नंबर, ये इनपुट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। नाउ अब इन इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए कोई सर्किट क्या देगा? कोई सर्किट हो सकता है कि इस इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए आपको 1 या 0 दे, कोई हो सकता है कि इन दोनों के लिए 0 या 1 दे। ठीक है, तो डिपेंडिंग कि किस इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए जो आपका सर्किट है वो 0 या 1 दे रहा है, ऐसे कितने तरह के सर्किट बन सकते हैं। बेसिकली ऐसे सर्किट बेसिकली फंक्शन से रिप्रेजेंट होता है एक सर्किट। हो सकता है कि एक बेसिकली कोई सर्किट इस इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए या तो लो लो आउटपुट देगा या फिर हाई देगा, यानी कि 0 देगा या 1 देगा। इस इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए या तो 0 देगा या 1 देगा, इस इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए भी या तो 0 देगा या 1 देगा। ठीक है, तो बेसिकली अभी तो मैंने तीन इनपुट के लिए बताया, अगर तीन पिन है देन कितने पॉसिबल हैं? 2 की पावर 3। अगर 4 है तो 2 की पावर 4। अगर एन है देन 2 की पावर n कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। सो ये 2 की पावर n कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स पॉसिबल है। अब हर कॉम्बिनेशन के लिए एक ऐसा, हर कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट कैन बी 0 या 1, पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई सर्किट 0 देगा, कोई 1 देगा। सो पॉसिबिलिटी कि इस इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए 0 या 1 हो सकता है, इसके लिए भी 0 या 1, इसके लिए भी 0 या 1, इसके लिए भी 0 या 1। सो 2 की पावर n कॉम्बिनेशंस के लिए आउटपुट कैन बी 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 का मतलब इस इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए 2 पॉसिबल आउटपुट, हर कॉम्बिनेशन के लिए 2 पॉसिबल आउटपुट। यानी कि 2 की पावर n कॉम्बिनेशन के लिए 2 कितने पॉसिबल आउटपुट्स? 2 की पावर n कॉम्बिनेशंस के लिए हर कॉम्बिनेशन के लिए 2 आउटपुट। सो 2 की पावर n कॉम्बिनेशंस के लिए 2
टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, कितने टाइम्स? टू की पावर एन टाइम्स, सो टू की पावर एन फंक्शंस, ठीक है? सो एन पिंस हैं, ठीक है, एन पिंस हैं, फंक्शन के टर्म में बोला जाए तो एन वेरिएबल्स हैं, एन वेरिएबल्स, ईच वेरिएबल कैन बी जीरो और वन, यानी कि टू की पावर एन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स. नाउ ईच इनपुट कॉम्बिनेशन कैन गिव अ जीरो और वन एज आउटपुट, यानी कि टू की पावर एन फंक्शंस कैन बी रियलाइज्ड, ठीक है, कैन बी रियलाइज मतलब कि इन तीन, अगर मतलब अगर आप चाहते हो कि एक ऐसा सर्किट बनाना जिसमें एन पिंस निकले हुए हों, ठीक है, देन टू की पावर एन सर्किट्स आप डिजाइन कर सकते हो तीन उसके लिए, जो अलग अलग आपको ऑपरेशन देंगे, ठीक है. ज़्यादा फालतू सोचना नहीं है, बस इसको रट लो. मैंने बता दिया हर इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए जीरो या वन हो सकता है, हर इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए. कितने कॉम्बिनेशन है? टू की पावर एन कॉम्बिनेशन है, सो टू गेट्स मल्टीप्लाइड टू की पावर एन टाइम्स, सो टू की पावर एन, ठीक है, ये हो गया. नाउ अब मैं लेता हूँ, दो पिन है मेरे, सिर्फ मैं दो पिन्स के लिए देखना चाहता हूँ. सो टू इनपुट्स यानी कि टू की पावर एक्स कैन बी जीरो और वन, वाई कैन बी जीरो और वन, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? टू की पावर टू, टू इंटू टू कॉम्बिनेशन, यानी कि फोर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स बनेंगे, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन. इसी ऑर्डर में लिखना होगा बिकॉज दिस इज द स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटिंग जीरो डेसिमल नंबर, दिस रिप्रेजेंट्स वन डेसिमल इक्विवेलेंट, ये किसका इक्विवेलेंट होगा? टू का, और ये कितना होगा? थ्री का. नाउ अब इस इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए हो सकता है कि जो सर्किट हो वो आपको जीरो दे या फिर वन दे, ऐसे ही इस कॉम्बिनेशन के लिए हो सकता है जीरो दे या फिर वन दे, ऐसे ही इस कॉम्बिनेशन के लिए हो सकता है जीरो दे या फिर वन दे जो सर्किट है, ऐसे ही इस कॉम्बिनेशन के लिए हो सकता है या तो जीरो दे या वन दे, ठीक है. नाउ फॉर ईच कितने हैं? एक दो तीन चार, फॉर ईच कॉम्बिनेशन जीरो और वन पॉसिबल आउटपुट, सो यानी कि टू पॉसिबल आउटपुट्स, यानी कि टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, सो टू की पावर फोर कितने फंक्शंस? सो टू की पावर फोर फंक्शन, यानी कि जीरो टू फिफ्टीन कितने फंक्शन हो गए? सिक्सटीन फंक्शंस आर पॉसिबल, ठीक है, सिक्सटीन फंक्शंस आर पॉसिबल. नाउ अब ये सिक्सटीन फंक्शंस कैसे लिखे जाएंगे? पहले आठ बार, सोलह है ना, बेसिकली 16 है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? 16, यानी कि 16 बाय 2 कर दो, तो 8 बार 0, 8 बार 1, ठीक है, फिर 16 बाय 2, 8 आ गया, ठीक है, 8 नहीं, अभी पहले 16 बाय 2 करा, अब 16 बाय 4 करना, 16 बाय 4 यानी कि 4, अब 4 4 के कॉम्बिनेशन में डालना है, सो 4 0 4 1 4 0 4 1, फिर क्या करना होगा? 16 बाय 8, यानी कि 16 बाय 8 कितना होगा? 16 बाय 8 होगा 2, यानी कि 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर उसके बाद 16 बाय 16 यानी कि 0 1 0 1, ठीक है. अब 16 के बाद उसके बाद नहीं कर सकते, ठीक है, सो दिस इज द पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ठीक है. तो ये एक तरह का सर्किट होगा, दूसरे वाला एक तरह का सर्किट होगा, तीसरे वाला अलग तरह का है. ऐसे कितने सर्किट्स पॉसिबल हैं? 15 सर्किट्स पॉसिबल हैं जो इन इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है. सो फंक्शन मतलब कि आपको क्या मिल सकता है? इस तरह का सर्किट आपको मिल सकता है कि जो इस कॉम्बिनेशन, इन चार कॉम्बिनेशंस के लिए चारों पे जीरो दे, या जीरो 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 वन दे, या फिर जीरो जीरो वन जीरो दे, या फिर जीरो जीरो वन दे, ऐसे ऐसे करके सर्किट्स पॉसिबल हैं, ठीक है. नाउ देखते हैं, अब एफ नॉट में क्या है? सारे जीरो हैं, सो दैट मीन्स दिस रिप्रेजेंट्स जीरो, एफ नॉट इज जीरो, सो यानी कि ये किसी भी इनपुट कॉम्बिनेशन, ये सर्किट किसी भी इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए जीरो देगा. नाउ अभी आता है जीरो जीरो, दोनों जीरो हैं तो भी जीरो, दोनों ये जीरो ये वन, या ये वन ये जीरो तो भी जीरो, जब दोनों के दोनों हाई है देन ओनली वन, यानी कि इफ बोथ द इनपुट्स आर हाई देन ओनली द फंक्शन इज हाई. अब बोथ का मतलब, बोथ का मतलब क्या है? कॉमन स्टेट, ठीक है, बोथ यानी कि दोनों कॉमन है और हाई होने चाहिए,
तो दोनों हाई हैं तभी ये हाई होगा, और बोथ यानी कि एंड, इफ दिस एंड दिस इज हाई दिस विल बी हाई, ठीक है, सिर्फ ये, बोथ द इनपुट्स आर हाई, इफ एक्स एंड वाई आर हाई देन एक्स एंड वाई इज हाई, एक्स एंड वाई इज हाई, सो दिस रिप्रेजेंट्स एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी कि एक्स और वाई अगर हाई होंगे देन एफ वन विल बी हाई, सो ये क्या होगा एक्स इंटरसेक्शन वाई यानी कि एक्स वाई, सो एंड ऑपरेशन होगा ये। फिर उसके बाद आता है आपका 0 0 1 0, ठीक है। नाउ एफ टू क्या होगा एक्स वाई बार, यानी कि एक्स बट नॉट वाई, ठीक है, एक्स बट नॉट वाई, एक्स को एक्स बट नॉट वाई यानी कि बट नॉट वाई यानी कि वाई बार, ठीक है, सो एक्स वाई बार, और इसको कैसे लिखा जा सकता है एक्स स्लैश वाई यानी कि एक्स बट नॉट वाई, ठीक है, सो दिस मीन्स इनहिबिशन, क्योंकि ये क्या लिखा है बट नॉट वाई, तो इसको कैसे देखेंगे भैया, तो इन इनपुट कॉम्बिनेशन पे आपको क्या लगाना होगा एक्स वाई बार लगाना होगा, सो एक्स इज दिस वाई इज दिस, सो एक्स वाई बार इज जीरो, ठीक है, सो एक्स वाई बार इज जीरो, एक्स वाई बार इज जीरो, एक्स इंटू वाई बार इज वन, एंड एक्स इंटू वाई बार यानी कि वन इंटू जीरो इज जीरो, ठीक है, सो एफ टू हो गया। नाउ फिर क्या आएगा एफ थ्री आएगा 0 0 1 1, नाउ एफ थ्री क्या होगा एफ थ्री इज एक्स बफर, यानी कि ये इनपुट कॉम्बिनेशन दूंगा तो ये जो सर्किट है 0 0 1 1 एफ थ्री वाला ये क्या करेगा सिर्फ एक्स को पास कर देगा एज इट इज, सो 0 0 1 1 है और 0 0 1 1 ही आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, सो दिस मीन्स कि एक्स इज गेटिंग पास एज आउटपुट। नाउ एफ फोर आता है, एफ फोर होगा अगेन इम्प्लीकेशन, वो क्या होगा इनहिबिशन वाई बट नॉट एक्स, वाई बट नॉट एक्स मतलब वाई इंटू एक्स बार, सो वाई इंटू एक्स बार आएगा आपका ये, ठीक है। फिर एफ फाइव जो होगा आपका वो क्या होगा 0 1 0 1, ठीक है, यानी कि 0 1 0 1 यानी कि दिस इज वाई बफर। फिर उसके बाद आता है एफ सिक्स, एफ सिक्स बताने से पहले मैं क्या बताऊंगा एफ सेवन, सो 0 1 1 1 यानी कि इफ कोई सा भी इनपुट अगर वन हो गया देन दिस इज वन, ठीक है, कोई सा भी इनपुट हाई हुआ देन दिस इज हाई, इफ वन इज हाई देन दिस इज हाई, इफ वन इज हाई देन दिस इज हाई, ठीक है, एक भी हाई होती इफ एक्स और वाई इज हाई देन दिस इज हाई, और यानी कि एक भी हाई है तो ये हाई होगा, यानी कि कैसे रिप्रेजेंट होगा एक्स प्लस वाई से रिप्रेजेंट होगा, एंड दिस मीन्स एक्स और वाई इज हाई, इसलिए और ऑपरेशन इसको बोला जाता है, ठीक है। नाउ अब ये और है, नाउ ये जीरो बन गया वन, वन बन गया जीरो, वन बन गया जीरो, वन बन गया जीरो, यानी कि इसका उल्टा ऑपरेशन, सो और का उल्टा यानी कि नॉट और यानी कि नॉर, ठीक है। फिर उसके बाद अब और इस एफ सेवन और एफ सिक्स को ऑब्जर्व करना है, सो जीरो जीरो सेम है, वन वन सेम है, वन वन सेम है, बट यहाँ पे सेम नहीं है, सो दिस मीन्स यहाँ तक तो सब सेम है बट ये सेम नहीं है, सो दिस मीन्स एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और, यहाँ तक और दिख रहा है बट दिस इज नॉट सेम एज और, सो दिस इज एक्सक्लूसिव और। अब इस चीज़ में वन वन जीरो 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 जीरो, बट ये क्या है यहाँ जीरो है बट यहाँ वन निकला, सो यहाँ तक ये दोनों सेम रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे थे बट यहाँ क्या हो गया ये नॉर है, ये नॉर जैसा दिख रहा था बट सिर्फ ये वाला जो है वो अलग आया, सो दिस इज एक्सक्लूसिव नॉर, ठीक है। सो ये चारों हो गए, फिर 1 0 1 0, अब क्या होगा कौन सा देखना है भैया आपको एफ टेन, सो एफ टेन विल बी वाई बार, ठीक है, जो वाई है उसका उल्टा हो रखा होगा, ठीक है, सो ये 0 1 0 1 है तो वो 1 0 1 0 होगा एफ टेन वाला। नाउ एफ इलेवन किस तरह का है एक्स प्लस वाई बार जैसा आपको दिख रहा है, ठीक है, इस तरह के उसको बोला जाता है फंक्शन को इम्प्लीकेशन, इसको बोला जाता है इफ वाई देन एक्स, इफ वाई देन एक्स क्यों, बिकॉज अगर वाई है यानी कि वाई इज वन देन वाई बार इज जीरो, और वाई बार इज जीरो यानी कि एक्स प्लस वाई बार इज एक्स, सो इफ वाई देन एक्स यानी कि अगर वाई वन है देन दिस इज ओनली इक्वल्स टू एक्स, ये बात है इसकी, ठीक है, सो इफ वाई देन एक्स,
सो आपको देख के भी पता लग जाएगा, F11 में आपको देख के पता लग जाएगा क्या इफ वाई यानी कि अगर वन है देन एक्स यानी कि जीरो, इफ वाई वाई है यानी कि एक्स आ जाएगा, सो जीरो आ गया। इफ वाई यानी कि वाई है तो इफ वाई देन एक्स, तो एक्स आएगा, तो एक्स क्या है वन, एज इट इज आ गया। इफ वाई सिर्फ वाई जहां पे वन है वो ऑब्जर्व करना है बस आपको, ठीक है, बाकी जहां जीरो है वहां क्या होगा वो नहीं सोचना। सो दिस रिप्रेजेंटेशन कैन बी रिटन एज एक्स प्लस वाई बार, ठीक है। नाउ F12 इज एक्स बार, ठीक है, वो एक्स 0011 है तो ये 1100 है F12 वाली। फिर उसके बाद F13 फिर से अब इम्प्लीकेशन आ जाता है, एक्स बार प्लस वाई यानी कि अगर एक्स है यानी कि एक्स बार नहीं है, और एक्स बार नहीं है तो एक्स प्लस एक्स बार प्लस वाई क्या होगा, वाई। सो इफ एक्स इज देयर देन दिस इज नथिंग बट वाई, सो इफ एक्स देन वाई, सो इफ एक्स इज वन एक्स बार इज जीरो एंड एक्स बार प्लस वाई इज वाई, सो इसलिए इफ एक्स देन वाई इसका नाम पड़ा, ठीक है। सो इनके नाम ऐसे क्यों पड़े, बिकॉज ऑफ जो जिस तरह का फंक्शन है उस तरह से उसका नाम लिख दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद F14 होगा एक्स इंटू वाई का बार, ठीक है, जो एंड की टेबल है उसकी उल्टी टेबल है। फिर F15 में सारे वन है यानी कि फॉर ऑल द इनपुट कॉम्बिनेशन जो आपका सर्किट है वो आपको वन यानी कि हाई इनपुट ही देगा किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए, सो दैट रिप्रेजेंट्स आइडेंटिटी ऑपरेशन। अब ये स्टेयर केस वाला आता है जो आपने घर में भी ऑब्जर्व करा होगा, तो एक बंदा यहाँ खड़ा है एक बंदा यहाँ खड़ा है, एक बल्ब के लिए एक स्विच यहाँ लगा है एक स्विच यहाँ लगा है। अब क्या होता है कि वो किस तरह से चलता है, मतलब जो स्विच पैटर्न है वो इस तरह से है कि अगर एक स्विच ऑन है देन बल्ब ऑन होगा, यानी कि 01 के लिए बल्ब इज ऑन, 10 के लिए बल्ब इज ऑन। अब दोनों ऊपर इन दोनों बंदों ने स्विच क्लोज कर रखे हैं तो बल्ब ऑफ होगा, और दोनों ने अगर स्विच खोल रखा है देन ऑल्सो द बल्ब विल बी ऑफ, सो 00 इज 0 11 इज 0। सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ ट्रुथ टेबल, ठीक है। सो ये किसकी टेबल है, एक्सओआर गेट की, सो दिस सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ एक्सओआर गेट, एक्स एक्सओआर वाई। एक्स एक्सओआर वाई किस तरह का होता है, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, ठीक है। ये किस तरह से आता है ये पता लग जाएगा आपको, ठीक है। सो आपने देख लिया एफ नॉट क्या था, जीरो, ठीक है, नल ऑपरेशन, फिर एंड ऑपरेशन देखा आपने, फिर इनहिबिशन देखा एक्स बट नॉट वाई यानी कि एक्स वाई बार, फिर आपने बफर देखा एक्स एज इट इज पास हो गया, फिर इनहिबिशन देखा वाई बट नॉट एक्स, सो वाई बट नॉट एक्स इज वाई एक्स बार। सो इनहिबिशन किस तरह से रिप्रेजेंट होंगे, एक्स इंटू वाई बार वाई इंटू एक्स बार, इंटू से रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है। फिर बफर आया फिर से वाई एज इट इज पास हो गया, फिर एक्स और गेट आया, और गेट आया, नॉर गेट आया, एक्स नॉर गेट आया, एक्स नॉर गेट इस तरह का होता है एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार, ठीक है, एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार, ठीक है, इस तरह का होता है ना। फिर उसके बाद नॉट ऑपरेशन आया, वाई का नॉट ऑपरेशन, फिर उसके बाद इम्प्लीकेशन आया, इम्प्लीकेशन में और ऑपरेशन होता है, यहाँ पे क्या था एक्स वाई बार था, यहाँ पे क्या है एक्स प्लस वाई बार है, वहां पे क्या था वाई एक्स बार था, यहाँ पे क्या है वाई प्लस एक्स बार है, ठीक है। सो इम्प्लीकेशन और इनहिबिशन में ये फर्क होता है। अब इम्प्लीकेशन मतलब किससे बना है, इम्प्लाई से बना है, सो इसलिए इफ कंडीशन आती है, इफ वाई देन दिस इम्प्लाइज एक्स, इफ वाई देन दिस इम्प्लाइज एक्स, इफ एक्स देन दिस इम्प्लाइज वाई, सो इम्प्लीकेशन ऑपरेशन इनको बोला जाता है, ठीक है। और ये नैंड ऑपरेशन आया था, और F15 क्या था आपका, आइडेंटिटी। नाउ सिंबल्स आते हैं, ये ट्रायंगल मींस बफर, ट्रायंगल के आगे बबल लग गया यानी कि एक्स गेट्स इन्वर्टेड यानी कि नॉट ऑपरेशन, इन्वर्टर नॉट ऑपरेशन। फिर ये डी बनेगा एक्स वाई, ये एंड ऑपरेशन होगा, ये डी बनेगा यानी कि ए एन डी, सो डी। फिर उसके बाद डी के बाहर बबल लग जाएगा यानी कि एंड का उल्टा यानी कि नैंड, ठीक है। सो एक्स वाई यहाँ पे है यानी कि यहाँ पे जो भी आएगा एक्स वाई, यहाँ तक तो एक्स वाई आया और बबल होते ही एक्स वाई बार हो गया, ठीक है, बबल मीन्स इन्वर्टर। फिर ये क्या है एक्स प्लस वाई और ऑपरेशन, ये एक्स प्लस ये और का सिंबल है।
फिर ये क्या है, और के आगे बबल लग गया यानी कि नॉट और, यानी कि नॉर, ठीक है। सो बबल से पहले तक क्या होगा, x प्लस वाई, बबल आती x प्लस वाई का बार होगा, ठीक है। फिर उसके बाद x नॉ x और होगा। अब और में क्या कर दोगे आप, और में अगर ये लगा दोगे बाहर, तो यानी कि एक्सक्लूसिव और जैसा लग रहा है बट बाहर ये एक्स्ट्रा है, यानी कि एक्सक्लूसिव और। सो ये क्या होगा, x x और y, यानी कि x बार y प्लस x y बार। फिर इसके आगे बबल लगा दोगे, यानी कि ये क्या होगा, x x x x और y, यहाँ तक आया, बबल होते क्या हो गया, x x और y का बार, और वो किसके बराबर होता है, x डॉट y, यानी कि x x नॉर y। और ये डॉट ऑपरेशन जो है, x नॉर ऑपरेशन, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार। सो ध्यान रखना, इसका कॉम्प्लीमेंट इज दिस, एक्स और कॉम्प्लीमेंट इज एक्स नॉर, अगर वेरिएबल्स कितने हैं, इवन है, ठीक है, दो वेरिएबल्स है ना। सो इसका एक्स और ऑपरेशन का बार, इसके आगे बबल लगाती क्या हो गया, ये एक्स नॉर बन गया। सो यानी कि एक्स वाई का एक्स और, उसका बार इज x x नॉर y, ठीक है। टेबल क्या होती है, x और की टेबल होगी 0 1 1 0, और इसकी होगी 1 0 1 0, यानी कि जहां पे ये 1 है, जहां पे x और 1 है, वहां पे ये क्या है, x नॉर 0 है। सो दिस इज उल्टा, ठीक है, बेसिकली क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, जहां ये 1 है वहां ये 0 है, जहां ये 0 है वहां ये 1 है। सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। और वो कब होगा, जब ये सिर्फ क्या होंगे, दो वेरिएबल होंगे, तब है, दो वेरिएबल या फिर इवन नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए है, आगे देखेंगे हम वो। और ये कैसे रिप्रेजेंट हो सकता है, एसओपी टर्म में कैसे रिप्रेजेंट होगा, ये सबमिशन एम, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेसिमल इक्विवेलेंट 0 1 2 3। अब 1 2 के लिए दिस इज 1, सो सिग्मा एम 1, 2। अब 1, 2 यानी कि 1 और 2 डेसिमल इक्विवेलेंट, ठीक है। सो 1 और 2 का जो क्या होगा, बाइनरी इक्विवेलेंट, उस बाइनरी इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन के लिए ये 1 है। 0, 3 यानी कि 0 का कॉम्बिनेशन इज 0, 0, 3 का कॉम्बिनेशन इज 1, 1, यानी कि 0, 0 एंड 1, 1 के लिए ये क्या है, 1 है, ठीक है। सो ये इसका मतलब हो गया। अब उसके बाद आते हैं हमारे यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, ये दो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होंगे जिससे हम किसी भी सर्किट को रियलाइज कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन होगा, आप सिर्फ नैंड और नॉर गेट से क्या कर सकते हो, उस सर्किट को, उस फंक्शन को रियलाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, ये बेसिक क्या है, नॉट ऑपरेशन है, ठीक है। अगर मैं किसे इस नॉट ऑपरेशन को नैंड से दिखाना चाहूँ तो कैसे होगा, एक्स इंटू एक्स, वो ये क्या है, x और x, नैंड कैसे होगा, यहां तक क्या होगा, x इंटू एक्स, एंड है ना अभी तक, तो फिर x इंटू एक्स का बार हो जाएगा बबल की वजह से, और x इंटू एक्स का बार यानी कि डी मॉर्गन थ्योरम से क्या होगा, x बार प्लस x बार, और एनीथिंग विच गेट्स रिपीटेड यानी कि सेम, सो x बार गेट्स रिपीटेड यानी कि x बार ही होगा, ठीक है ना। अब मैं देखना चाहता हूं कि नॉट ऑपरेशन के लिए एंड और एक्स नॉर ये क्या है, नॉट यूनिवर्सल। अब इन यूनिवर्सल लॉजिक्स, वो नॉट यूनिवर्सल लॉजिक्स हैं ये, इन लॉजिक्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नैंड या नॉर से, क्योंकि ये नैंड और नॉर क्या है, यूनिवर्सल है। नाउ कितने नैंड या फिर कितने नॉर गेट्स आर रिक्वायर्ड टू रियलाइज दीज लॉजिक्स, वो क्या है, उसके लिए एक शॉर्टकट है। सो कैसे याद रखना है, नॉट एंड और एक्स और एक्स नॉर, ठीक है, इसी टोन में याद रखना है, नॉट एंड और एक्स नॉर, ठीक है, इन तीन को एक साथ टोन में बोलना है, फिर इसको एक साथ टोन में बोलना है। नाउ 1 2 3 4 5 एक ऑर्डर में, फिर 1 शिक्षिक 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 का मतलब ये गेट्स इन्वर्टेड, 2 3 गेट्स 3 2, 4 5 बिकम्स 5 4। सो 1 शिक्षिक शिक्षिक, सो 1 2 3 4 5, 1 शिक्षिक शिक्षिक, और ये क्या है, नॉट एंड और एक्स नॉर। सो यानी कि नॉट ऑपरेशन के लिए कितने नैंड, 1, एक नैंड रिक्वायर्ड है ना,
नॉर भी कितने रिक्वायर्ड होंगे? सिर्फ वन। अब कैसे बनेंगे वो बाद में देखेंगे। एंड के लिए दो नैंड चाहिएंगे और तीन नॉर गेट चाहिएंगे टू रियलाइज एंड लॉजिक। ठीक है, सो ये आपका होगा। फिर अब ये बात आती है कि नॉर ऑपरेशन को, नॉर लॉजिक को रियलाइज करने के लिए कितने नैंड चाहिए? चार। नैंड को रियलाइज करने के लिए कितने नॉर चाहिए? चार। ठीक है, सो ये हो गया। द एंड फंक्शन कैन बी रियलाइज बाई यूजिंग ओनली एन नंबर ऑफ नॉर गेट्स। वॉट इज एन इक्वल टू? एंड फंक्शन को रियलाइज करना है, एंड लॉजिक को रियलाइज करने के लिए कौन सा गेट पूछ रहा है? नॉर गेट। सो एंड को रियलाइज करने के लिए कितने नॉर गेट? तीन। सो तीन इज द आंसर। नाउ अब ध्यान रखना, डूइंग द इन्वर्जन, किसी बाइनरी ऑपरेशन से पहले इन्वर्जन करना या बाइनरी ऑपरेशन के बाद इन्वर्जन करना, दो प्रोसीजर में अलग अलग रिजल्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूनरी ऑपरेशन कर रहे हो, यानी कि एक ही वेरिएबल पे ऑपरेट कर रहे हो, तो चाहे पहले इन्वर्ट कर लो चाहे बाद में इन्वर्ट कर लो, सेम ही बात है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स एक्स गेट्स पा, एक्स बफर हुआ, यानी कि एक्स ही है अभी तक, फिर एक्स बार हो गया। ठीक है, सो पहले ऑपरेशन हुआ फिर नॉट हुआ, सो एक्स बार आया। ठीक है, सो अभी यूनरी ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि वन वेरिएबल है। नाउ एक्स पहले मैंने नॉट कर दिया, यानी कि पहले ही बबल लगा दिया, फिर पास करा, फिर एक्स बार आया। सो अगर आप यूनरी ऑपरेशन में चाहे ऑपरेशन पहले कर लो नॉट बाद में कर लो, या नॉट पहले कर लो बाद में ऑपरेशन कर लो, रिजल्ट सेम आता है। बट बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है, एक्स और वाई भेजा मैंने, ये क्या हुआ, एक्स प्लस वाई। ठीक है, और फिर बबल आ गया, यानी कि एक्स प्लस वाई का बार। सो पहले ऑपरेशन हुआ फिर इन्वर्जन, सो पहले ऑपरेशन फिर इन्वर्जन, सो एक्स प्लस वाई बार इज इक्वल टू एक्स बार वाई बार। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले ही इन्वर्जन करता हूँ, सो पहले इन्वर्जन यानी कि एक्स बार वाई बार हो गया, फिर उसके बाद और ऑपरेशन किस पे है, अब और ऑपरेशन एक्स बार और वाई बार, सो दिस बिकम्स एक्स बार प्लस वाई बार। दोनों सेम नहीं है ना, सो दोनों सेम नहीं है। सो यानी कि बाइनरी ऑपरेशन में अगर आप इन्वर्जन पहले करते हो एक केस में, और एक केस में इन्वर्जन बाद में करते हो, तो अलग रिजल्ट आएगा अगर आप क्या कर रहे हो, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल पे ऑपरेट करते हो। ठीक है, नाउ अब ड्यूअलिटी एक कंसेप्ट आता है, क्या मतलब होता है वो कुछ नहीं सोचना है, मतलब एक फंक्शन होगा और उस फंक्शन की डुअल फॉर्म कैसे लिखनी होती है वो ध्यान रखनी है बस। डुअल फॉर्म का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये सब अभी आपको नहीं सोचना है। ठीक है, सो स्टेप्स क्या है, इंटरचेंज द ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब क्या है, डॉट एंड प्लस, डॉट रिप्रेजेंट्स एंड प्लस रिप्रेजेंट्स और, सो डॉट एंड प्लस आर ऑपरेटर। सो जहां डॉट है वहां प्लस करना है, जहां प्लस है वहां डॉट करना है। सो इंटरचेंज द ऑपरेटर मीन्स डॉट एंड प्लस गेट्स रिवर्स्ड। इंटरचेंज द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब डिजिटल में दो आइडेंटिटी होती है, एक तो जीरो और एक वन, सिर्फ दो ही क्या है आइडेंटिटी, या तो लड़का या लड़की, जीरो या वन। सो जहां जीरो है वहां वन कर दिया, जहां वन है वहां जीरो कर दिया। हाँ भाई, नाउ ऑपरेटर इंटरचेंज हो गया, आइडेंटिटी इंटरचेंज हो गई, बट वेरिएबल एज इट इज रहेगा, क्योंकि वेरिएबल आपको नहीं पता है वो जीरो है या वन है, सो वेरिएबल एज इट इज रहेगा एक्स, यानी कि वेरिएबल रिमेन्स एज एक्स, एक्स बार रिमेन्स एज एक्स बार, ए बी सी डी ई एफ जी एच कोई भी वेरिएबल हो दैट रिमेन्स एज इट इज। सो फॉर एग्जाम्पल ये है, ये फंक्शन है, इसकी मुझे डुअल फॉर्म निकालनी है, उस डुअल फॉर्म का सिग्निफिकेंस क्या है मेरे को नहीं सोचना, बस डुअल फॉर्म निकालनी है। स्टेप ये है, सो ए बार रिमेन्स एज ए बार डॉट, अब ए बार डॉट बी ये एक टर्म है, सो ब्रैकेट पहले ही लगा देना, ए बार रिमेन्स ए बार डॉट बिकम्स प्लस, बी रिमेन्स बी, प्लस बिकम्स डॉट, सी रिमेन्स सी। सो प्लस एंड डॉट इंटरचेंज हो गए, डॉट बिकम्स प्लस, प्लस बिकम्स डॉट, बट ए बार बी एंड सी रिमेन एज इट इज, और जीरो और वन इंटरचेंज करने ही नहीं पड़े चूंकि है ही नहीं इसमें। ठीक है, अब फिर से इसका डुअल लोगे तो फिर से वही फंक्शन आ जाएगा। नाउ अब आता है एंड और की डुअल फॉर्म क्या होगी, और एंड। उससे पहले एक और चीज़, ये है एंड की टेबल, ये है और की,
एंड में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। नाउ एक्स किसी वेरिएबल की उसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करोगे तो वही वेरिएबल आएगा, एक्स इंटू एक्स इज एक्स। जीरो से किसी वेरिएबल की मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा, वन से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वेरिएबल आ जाएगा, उसके कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा। क्यों? बिकॉज अगर एक्स वन है तो एक्स बार जीरो होगा, और एक्स जीरो है तो एक्स बार वन होगा। ठीक है, एक्स और एक्स बार में एक ना एक तो जीरो हो गई ना, सो इसलिए जीरो आता है। और में क्या होगा, एक्स इसकी डुअल फॉर्म क्या होगी, एक्स एज इट इज डॉट बिकम्स प्लस एक्स एज इट इज, सो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो ये इनकी डुअल फॉर्म्स होंगी, जो ये भी ट्रू होंगी। नाउ एक्स डॉट जीरो, अब ये क्या है देख, ये तो फंक्शन पे लगाया था, ठीक है, ये फंक्शन का डुअल निकाला था। ये क्या है, आइडेंटिटीज हैं बेसिकली, आइडेंटिटीज पे भी डुअल लगता है। ठीक है, इक्वालिटी है ना बेसिकली, तो आइडेंटिटी है, दिस इज अ, ये सारी आइडेंटिटी है, सो इनका डुअल भी क्या होगा, आइडेंटिटीज होंगी। ये फंक्शन पे डुअल लगाया था, यहाँ पे वैसे आइडेंटिटीज पे डुअल अप्लाई कर रहे हो। नाउ एक्स रिमेन्स एज इट इज डॉट बिकम्स प्लस जीरो बिकम्स व्हाट, वन, सो एक्स प्लस वन, अब जीरो बिकम्स वन, सो एक्स प्लस वन इज वन। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ x 1 प्लस x ही करोगे तभी 1 आएगा, x के अलावा y होगा तो भी 1 आएगा, z होगा तो भी 1 आएगा, एक्स वाई जेड होगा तो भी 1 आएगा, एक्स वाई जेड फलाना 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 कुछ भी होगा तो 1 आएगा, सो एनीथिंग प्लस 1 इज 1, सो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, फिर x x बिकम्स x डॉट बिकम्स प्लस x बार रिमेन्स एज इट इज, सो x प्लस x बार इज इक्वल्स टू जीरो बिकम्स वन, सो x प्लस x बार इज वन। और फिर इसका डुअल क्या होगा, x रिमेन्स एज इट इज डॉट बिकम्स प्लस वन बिकम्स जीरो, x रिमेन्स x, सो x प्लस जीरो इज x। ठीक है, सो इस तरह से डुअलिटी अप्लाई करिए। फिर उसके बाद आता है एंड और की डुअल फॉर्म क्या होगी, और एंड। ठीक है, एंड और का मतलब एंड करा पहले फिर और ऑपरेशन करा, ठीक है, उसकी डुअल फॉर्म क्या होगी, और एंड। वो कैसे, क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अभी आपने ये निकाला था, ये सपोज एक फंक्शन है, ठीक है, ए बार बी प्लस सी, सो पहले डॉट हुआ ना फिर प्लस हो रहा है, ठीक है, पहले डॉट हुआ फिर प्लस होगा, क्योंकि ये जो प्लस है ये पूरा किसके साथ है, ए बार डॉट बी के साथ प्लस है, सो पहले डॉट हुआ फिर प्लस हुआ, यानी कि पहले एंड हुआ फिर और हुआ, सो एंड पहले और बाद में, सो दिस इज द रियलाइजेशन। ए बार यानी कि बबल आएगा, बी, ए बार बी यहाँ पे आ गया, फिर ए बार बी में सी ऐड करना है, यानी कि और गेट आ गया, सो एंड और इसका रियलाइजेशन हुआ, सो दिस फंक्शन कैन बी रियलाइज, ये इसका फिजिकल रियलाइजेशन होगा। ठीक है, नाउ इसका डुअल बनाता हूँ मैं, सो इसका डुअल क्या होगा, ए बार जो आपने बनाया था, ए बार प्लस बी डॉट सी, यानी कि क्या होगा, पहले प्लस यानी कि और फिर डॉट, सो पहले और ऑपरेशन होगा, सो यहाँ ए बार पहले आया, फिर ए बार और बी गेट्स एडेड, सो ए बार प्लस बी, और फिर सी गेट्स मल्टीप्लाइड, सो ए बार प्लस बी इंटू सी, सो पहले और ऑपरेशन, पहले प्लस फिर डॉट, सो ये हो गया। सो एंड और की डुअल फॉर्म क्या होगी, और एंड। सो इसका बेसिकली मतलब ये है कि अगर आप ये फंक्शन है ये फंक्शन है इसको रियलाइज करोगे तो एंड पहले और बाद में, और फिर इसके डुअल को रियलाइज करोगे तो क्या होगा, और पहले एंड बाद में। ठीक है, नाउ आती है डी जनरेटेड फॉर्म। डी जनरेटेड फॉर्म क्या होती है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सर्किट वी ए है, आपने पहले ए बी करा तो यहाँ पे ए बी आ गया, फिर ए बी का सी के साथ एंड करा, सो ए बी सी आ गया, यानी कि इस चीज को ए बी सी, यानी कि ए बी सी का एंड हो गया। अब कोई सिंगल लॉजिक गेट नहीं है जिसमें आप क्या करो, तीन इनपुट दे दो, ये एंड लॉजिक नहीं है बेसिकली, बट चूंकि ए बी सी मल्टीप्लाई होके आ रहा है आउटपुट में, विच इज़ लुकिंग लाइक ए एंड ऑपरेशन, इसलिए आप सिंगल एंड से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली सही नहीं है ये, बट इसे रिप्रेजेंट क्यों कर सकते हो, बिकॉज आउटपुट इज ए बी सी लुकिंग एज एंड ऑपरेशन ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, इसलिए आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, सो यानी कि दिस इज द डी जनरेटेड फॉर्म। ठीक है,
सो बेसिकली इफ अ टू लेवल लॉजिक गेट सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड विद अ सिंगल लॉजिक गेट देन द टू लेवल लॉजिक गेट सिस्टम टू लेवल यानी कि पहले एक लेवल पहले ये यहाँ पे आएगा आउटपुट फिर इन दोनों का इनपुट एज आउटपुट यहाँ पे आएगा सो टू लेवल लॉजिक गेट सिस्टम इज नोन एज डी जनरेटेड फॉर्म ऑफ दिस सिंगल लॉजिक गेट सो एंड इज द डी जनरेटेड फॉर्म ऑफ एंड सो बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे ए बी सी लिखा हुआ है इसका मतलब पहले ए बी हुआ होगा फिर सी हुआ होगा या फिर पहले बी सी हुआ होगा फिर ए से मल्टीप्लाई हो गई या फिर क्या हुआ होगा ए सी फिर बी ठीक है सो कुछ भी आप सोच सकते हो बट बेसिकली क्या होगा एंड ऑपरेशन फिर एंड ऑपरेशन हुआ होगा ठीक है एंड 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 ऑपरेशन होता चला गया और ए बी सी मल्टीप्लाई ए बी सी डी ई एस ऐसे मल्टीप्लाई होता जाएगा नाउ अब दूसरा आता है फॉर एग्जाम्पल ए बी सी अब यहाँ पे एंड है बट यहाँ पे और कर दिया आपने सो ये क्या होगा पहले एंड यानी कि ए बी डॉट पहले हुआ फिर प्लस होगा सो ए बी प्लस सी अब इस टू लेवल लॉजिक गेट सिस्टम को किसी सिंगल लॉजिक गेट से मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हो फॉर कन्वीनियंस नहीं कर सकते सो यानी कि नॉन डी जनरेटेड फॉर्म कर सकते हो तो डी जनरेटेड फॉर्म है वो नहीं कर सकते तो नॉन डी जनरेटेड फॉर्म है ठीक है तो बेसिकली क्या हुआ एंड और अगर एंड और ऑपरेशन पहले एंड फिर और ऑपरेशन आप करते हो देन उस तरह के उसकी फंक्शन की क्या नहीं है कोई फॉर्म नहीं है सिंगल लॉजिक गेट से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते सो दैट मींस दिस एंड और इज डी जनरेटेड फॉर्म नॉन डी जनरेटेड फॉर्म ठीक है एंड और क्या है नॉन डी जनरेटेड फॉर्म है ठीक है और एंड कर देंगे तो भी क्या आएगी नॉन डी जनरेटेड फॉर्म आएगी बट एंड क्या है डी जनरेटेड फॉर्म है ठीक है तो एक शॉर्टकट आता है वो शॉर्टकट क्या कहता है भैया वो शॉर्टकट कहता है कि बेसिकली आपने क्या चीज़ें देखी दो चीज़ें देखी एक तो देखा कि एंड और का डुअल पहले डॉट फिर प्लस एंड और पहले प्लस फिर डॉट और एंड सो एंड और का डुअल इज और एंड ठीक है फिर डुअल के बाद आपने डी जनरेटेड फॉर्म्स देखी ठीक है सो डी जनरेटेड फॉर्म एंड डी जनरेटेड फॉर्म है ठीक है दिस टू लेवल इज डी जनरेटेड फॉर्म एंड की टू लेवल सिस्टम इज डी जनरेटेड फॉर्म एंड और का टू लेवल सिस्टम इज नॉन डी जनरेटेड फॉर्म ठीक है नाउ अब एक शॉर्टकट आता है सो याद कैसे रखना है एंड नैंड नॉर और एंड नैंड नॉर और सो एंड पहले बोलना है खींच के एंड नैंड नॉर और एंड नैंड नॉर और ठीक है नाउ अब खत्म हो गया फिर उसके बाद क्या लिखना है अब और पे खत्म हुए अब यहां से आ जाओ फिर से वही चीज एंड नैंड नॉर और एंड नैंड नॉर और इस तरह से लिखना है अब इसमें बेसिकली अब इस टेबल का मतलब क्या है इस टेबल का मतलब है कि एंड और एंड आर डुअल फॉर्म्स ऑफ ईच अदर नैंड नैंड की डुअल फॉर्म क्या होगी नॉर 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 और की क्या होगी नैंड नैंड सो एक लाइन में जो लिखे हैं वो डुअल फॉर्म्स है इसकी डुअल फॉर्म ये इसकी डुअल फॉर्म ये इसकी ये इसकी ये इसकी ये इसकी ये इसकी ये ऐसे ऐसे करके आमने सामने जो है वो डुअल फॉर्म्स ऑफ ईच अदर है ठीक है और ये अलग अलग आप देखो तो एंड और क्या है टू लेवल लॉजिक गेट सिस्टम है एंड दिस टू लेवल लॉजिक गेट सिस्टम इज नॉन डीजनरेटेड फॉर्म सो ये सारी फॉर्म्स जो हैं वो नॉन डीजनरेटेड फॉर्म्स हैं एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेम लाइन इन अबव रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट्स डुअल फॉर्म सेम लाइन सो आमने सामने जो भी हैं वो डुअल फॉर्म है एंड और की और एंड